उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन 2022 के लिए सक्रिय तो पहले से हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 2022 चुनावों के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। तो क्या है अखिलेश यादव का वो प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और एसपी से लेकर बीएसपी तक हर दल अपनी अपनी रणनीतियों के सहारे जीत के सपने सजा रहे हैं। सूबे के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस बार समाजवादी पार्टी ने जिलों में नई टीमों का गठन किया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने 14 जिला और महानगरों में कमेटी के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जो 2022 चुनाव के लिए सक्रियता से काम करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति से जारी की गई पदाधिकारियों की लिस्ट में गिरीश यादव को अलीगढ़, कुंवर देवेंद्र सिंह को कासगंज, धर्म प्रकाश को मऊ, लालजी को सिद्धार्थनगर, असगर अली को संभल और चौधरी राजपाल सिंह को मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में सपा की कमान वीर सिंह को सौंपी गई है। अब अखिलेश यादव ने इन टीमों का गठन कर एक बार फिर 2022 चुनाव को लेकर पार्टी की सक्रियता को उजागर कर दिया है। लेकिन क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।